ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है तो चाय बेचेगा कहाँ से। बिहार में जब से जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ा है उसी दिन से दोनों पार्टियों के बीच तनातनी तेज हो गई है। हाल ही में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी को एक बार फिर घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी कुछ कह दिया। उनके बयानबाजी के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले तो आप उनका ये भाषण सुनिए। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है तो चाय बेचेगा कहाँ से। चाय बनाने आता है वो, तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे ललन सिंह पीएम मोदी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, मगर जोश जोश में दिया हुआ बयान अक्सर भारी पड़ जाता है, और शायद यही हुआ ललन सिंह के साथ भी। तभी अब वो अपने दिए हुए बयान पर लीपा पोती कर रहे हैं। जी हां, ललन सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी है। ललन सिंह अब ये सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उनके हिसाब से ये आम बोलचाल की भाषा है और संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने रविशंकर प्रसाद को लेकर फिर एक टिप्पणी कर दी। 1996 से 2013 तक 17 सेकंड के लिए भी समस्या नहीं हुई, इसलिए कि गठबंधन धर्म का पालन होता था। साजिश अपने सहयोगियों के खिलाफ साजिश नहीं होती थी, अपने सहयोगियों के खिलाफ खड्यंत्र नहीं होता था। अब की भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ, और यहां तक कि अपने पार्टी के अंदर के नेताओं के साथ भी खड्यंत्र करती है, साजिश करती है। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है। दरअसल हाल ही में जब ललन सिंह ने पीएम मोदी को निशाना बनाया था, तब तमाम बीजेपी के नेता उन पर हमलावर हो गए थे। रविशंकर प्रसाद ने भी उन्हें लेकर काफी कुछ कहा था। इसी बात से उखड़े ललन सिंह ने उन्हें घेरे में लेते हुए कहा कि बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। अपने सहयोगियों के खिलाफ खड्यंत्र नहीं होता था,